प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर कच्छ पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां कई परियोजनाओं की शुरुआत की, साथ ही सोलर पार्क की आधारशिला रखी। इन सौगातों से इतर पीएम मोदी ने कच्छ में ही किसानों के एक समूह से मुलाकात की। इनमें भारत पाक सीमा पर बसे कुछ सिख किसान भी शामिल हुए। इस मुलाकात में कृषि कानूनों को लेकर देश में चल रहे विरोध और बहस के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक संदेश देने की कोशिश की। पीएम मोदी ने कच्छ से देश के किसानों को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि केंद्र सरकार ने जो 3 नए कृषि कानून को बनाया है वो किसानों के हित में है। इससे आने वाले समय में किसानों को बड़ा फायदा होने वाला है। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि दिल्ली के आसपास आजकल किसानों को डराने की साजिश चल रही है। पीएम ने कच्छ के डेयरी उत्पादकों से कहा कि क्या अगर कोई आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या भैंस लेकर चला जाता है? जैसी आज़ादी पशुपालकों को मिल रही है, वैसी ही आज़ादी हम किसानों को दे रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी जोरदार हमला किया। पीएम ने कहा कि विपक्ष आज किसानों को गुमराह कर रहा है, लेकिन अपनी सरकार के वक्त ऐसी ही कृषि कानून लाने की बातें करता था। खेती पर किसानों का खर्च कम हो, उन्हें नए नए विकल्प मिले, उनकी आय बढ़े, किसानों की मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया है। देश भर के किसानों के आशीर्वाद की ताकत, जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। पीएम मोदी ने अपने कच्छ दौरे में आज 3 अलग अलग परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। कच्छ में रिन्यूएबल सोलर प्रोजेक्ट और डिसैलिनेशन प्लांट की शुरुआत की। इसके अलावा पीएम मोदी ने आज कच्छ के सफेद रण में सनसेट का नजारा देखा, साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनंद उठाया। लेकिन किसानों के मुद्दे पर पीएम ने कच्छ से जो कहा, उसकी गूंज देश भर के किसानों को सुनाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट।